Assalamualaikum. Shahid bhai, Hamza and Haroon and Bahria Town administration as well. बड़ा ज़बरदस्त लगा जी, बहुत ज़बरदस्त छक्का मैं समझता हूँ कि ऑजी डेवलपर की तरफ से आज देखने को मिला. हमारा कुछ रोल ऐसा है कि मैं शाहिद भाई के लिए भी थोड़ा सा मेंशन कर दूँ कि हम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आईटी की ट्रेनिंग्स और लोगों को आईटी पे कैसे अपना काम करना सिखा रहे हैं पूरी दुनिया में. और हमारे साथ इस वक्त लाखों लोग अटैच्ड हैं पूरी दुनिया से, नॉट जस्ट पाकिस्तान. और हमारा मकसद था उसी डेवलपर के साथ कोलेबोरेशन करने का कि इन्होंने एक पूरा फ्लोर लाहौर स्काई में आईटी टेक्नोलॉजी पार्क को वक्फ किया. और वो सिर्फ आईटी टेक्नोलॉजी पार्क एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो कि STZ है, विच मीन्स के नो टैक्स जोन, जहाँ पर आप जितना पैसा कमाएं वो आपकी जेब में. दिस इज़ एक्चुअली द यूनिक थिंग विच वी फाउंड के जहाँ पर हमारे जो इस वक्त लाखों लोग हैं वो पैसा कमाते हैं और फिर आके गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, बचता ही कुछ नहीं है. तो हमारा मकसद था कि हम अपने सारे जो सेटअप है, हमारी आईटी कंपनी है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंक्यूबेशंस हैं, कोवर्किंग स्पेसेस हैं, वो सारे हम लाहौर स्काई के अंदर लेकर आए और वहाँ पर जो कि नो टेक्नोलॉजी जोन, नो टैक्स जोन के अंदर, जहाँ पर लोग बेसिकली जितना कमाएं वो उनकी पॉकेट में आए. मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान में वो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत हैं लेकिन असल काम करने वाले जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़े कम होते हैं. और हमें ये देखने को मिला जो कि एक बड़ी मॉडल एग्जांपल है मेरे लिए. तो सेकेंडली, लास्टली सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त इंडिया में तकरीबन 1800 टेक्नोलॉजी पार्क हैं और पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जी 14 टेक्नोलॉजी पार्क हैं, आईटी टेक्नोलॉजी पार्क. इंडिया की आईटी इंडस्ट्री है जी $200 बिलियन और पाकिस्तान की है जी $3 बिलियन जिसमें हम अभी बैठे हैं. इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री है $250 बिलियन और पाकिस्तान की जब हम इस मुल्क में आए थे $1 बिलियन थी, आज $7 बिलियन. बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ था 1971 में, आज उसकी आईटी एक्सपोर्ट है जी $44 बिलियन, हमसे $41 बिलियन ज़्यादा. तो मकसद है कि ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि हमने आईटी पार्क को डेडिकेट किया और हम क्योंकि ऐसी लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं और ऐसे लोगों के साथ उठना चाहते हैं जिन्होंने ऐसे इनिशिएटिव हैं जिसमें लोगों का फ़ायदा हो. तो मैं मुबारकबाद दूंगा आज आपको और आपकी टीम को और शाहिद भाई को वेलकम ऑन बोर्ड एज वेल टू हैव कंटिन्यू टू हैव सिक्सेस ऑन एवरी बॉल आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आप सबसे दोबारा मुलाकात हो.